हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है गेस्ट हिंदी पे। आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि संस्कृत विषय की कट ऑफ के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आरपीसी फर्स्ट ग्रेड कट ऑफ जो रहने वाली है, तो सर्वे के एक बड़े सर्वे के बाद में ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो फाइनल मेरिट लिस्ट में कट ऑफ रहने वाली है उसी कट ऑफ के बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप अगर आप हमारे चैनल कस्टक हिंदी पे नए हो तो प्लीज़ कस्टक हिंदी को सब्सक्राइब जो कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलता हूँ अपडेट की ओर, फटाफट वीडियो खत्म करते ले चलता हूँ अपडेट की ओर। देखिए, हिंदी सब्जेक्ट की मैंने कट ऑफ अपलोड कर दी, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे जो आप बता रहे हो कट ऑफ कम बता रहे हो, इतनी कट ऑफ नहीं जाने वाली, ठीक है। मैं उन सभी स्टूडेंट्स को बोल देता हूँ कि भैया आपने जब एग्ज़ाम दिया था ना, तो उसमें आपके जो करंट अफेयर रहता ना, 2018 और 2017 का करंट अफेयर आया था, ना कि यहाँ पे 2019 का जो करंट अफेयर चल रहा है वो करंट अफेयर दिया था, ठीक है, या 6 मंथ बाद का कट ऑफ करंट अफेयर दिया था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े चेंजेस हुए इस एग्ज़ाम में, आपको शायद पता नहीं होगा। अगर पता होगा तो फिर आपको मान सकते हैं पे कट ऑफ इतनी रहने वाली है, ठीक है। तो इस चीज के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैं बता दूं, जब हिंदी एग्जाम के बाद में 3 जनवरी के बाद में जो एक पेपर लग रहे हैं, उनकी कट ऑफ लगातार बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो करंट अफेयर 2018 वाला तैयार करते जाएंगे, वो वहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन सकता है, ठीक है। तो अब मैं बात कर लेता हूं यहां पे कि जो कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो ठीक है, कैजटेक हिंदी को सब्सक्राइब जो कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो पसंद है इसको लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर के अंदर जो कट ऑफ रही थी जनरल कैंडिडेट की, तो वो जनरल कैंडिडेट की 311 के समथिंग यहाँ पे कट ऑफ रही थी। यहाँ पे संस्कृत विषय की बात करूँ, संस्कृत सब्जेक्ट की बात करूँ, जिसमें कट ऑफ रही थी, टोटल नंबर आपको पता होगा कि 450 मार्क्स का एक पेपर है, ठीक है, जिसमें 150 का एक पेपर है और इसमें 300 मार्क्स का एक पेपर है। टोटल मिला के 450 का एक पेपर आया था, ठीक है। दो पेपर यहाँ पे लगे थे जिसकी कट ऑफ एक ही जाने वाली, ऐसा नहीं कि अलग अलग पेपर की अलग अलग कट ऑफ जाएगी, एक ही कट ऑफ जाएगी। और जबकि पिछली बार यहाँ पे 311 कट ऑफ गई थी, लेकिन अब की बार जो कट ऑफ रहने वाली है उसका क्राइटेरिया मैं यहाँ पे फिक्स कर रहा हूँ कि 305 से लेकर 315 के बीच के अंदर ये जनरल का एरिया हो सकता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये 2019 में जो अभी एग्जाम लगा था उसके बारे में बात करूँ, 305 से लेके 315 के बीच में। आप बोलो सर इतना एरिया कैसे डिफेक्ट, मैं कर तो यहाँ पे 110 भी सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो जनरल का एरिया है वो इतना ही डिफेक्ट करता है कि इतना ऑक्सीलेट हो सकता है, ठीक है। 305 से लेके 315 यहाँ पे कट ऑफ जा सकती है। अगली बात करें ओबीसी की, हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ओबीसी की जो पिछली बार यहाँ पे जो कट ऑफ रही थी वो यहाँ पे 302 पॉइंट समथिंग यहाँ पे जो कुछ कट ऑफ रही थी, ठीक है। लेकिन जो अब की बार जो कट ऑफ जाएगी ओबीसी की, वो यहाँ पे जो अभी वर्तमान में जो कट ऑफ जाने वाली है, ठीक है, अभी जो 2019 में जो वैकेंसी अभी एग्जाम दिया है उन स्टूडेंट्स की कट ऑफ जाएगी, वो वहाँ पे एक्सलेट करेगी 297 से लेके 305 के बीच में यहाँ पे ये कट ऑफ एक्सलेट करने वाली है, ठीक है। मतलब इसी के बीच में ये कट ऑफ रहने वाली है। इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं। अगर कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर आप गलत बता रहे हो कि एक कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी, ठीक है, वो स्टूडेंट सोच सकते हैं। अगर आप पीछे कमेंट भी देख लिया करो नीचे कि यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स कितने कम मार्क्स आ रहे हैं, ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, वो चीज़ भी आपको देखनी चाहिए, ठीक है। आगे बात कर लेता हूँ यहाँ पे एससी कैंडिडेट की, ठीक है। एससी कैंडिडेट की जो पिछली बार कट ऑफ गई थी, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 278 पॉइंट समथिंग यहाँ पे पिछली बार यहाँ पे कट ऑफ गई थी, लेकिन जो अब की बार सर्वे के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो कट ऑफ बताई जा रही है, ठीक है, वो यहाँ पे 270 से लेके 275 के बीच में ही यहाँ पे कट ऑफ रहने वाली ऐसी कैंडिडेट की भी है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो पिछली बार गई थी 278 के आसपास गई थी, लेकिन जो अब की बार कट ऑफ जाने वाली है 270 से 275 के बीच में यहाँ पे कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ एससी कैंडिडेट की, ठीक है। एससी कैंडिडेट में जो पिछली बार कट ऑफ गई थी वो यहाँ पे गई थी 268 पॉइंट समथिंग यहाँ पे कुछ कट ऑफ गई थी, ठीक है, 268 पॉइंट समथिंग यहाँ पे कट ऑफ गई थी, ठीक है। तो अब की बार की जो बात कर लेता हूँ वो भी कम रहने वाली है, जो पिछली बार के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, पिछली बार के अकॉर्डिंग नहीं, जो पिछली बार की थी उससे कम जा रही है, अब की बार सर्वे के अकॉर्डिंग ये बताई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कट ऑफ रहने वाली है 260 से लेकर 265 के बीच में यहाँ पे एसटी कैंडिडेट वालों की कट ऑफ रहने वाली है। बिल्कुल सही बात है, एक जनरली ऐसा कैटेगरी है जिसके अंदर कट ऑफ बढ़ सकती है और बाकी सभी में कम जा सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। मैंने सारे कट ऑफ बता दिए सभी कैटेगरीज की, और AWS है वो जब इसी के बीच में ऑक्सीलेट करने वाली जो पिछली बार रही थी उसी के आसपास। वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। आपने बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।